तो योजना ये से एक बार फिर से आपके लिए सामान्य अध्ययन का बैच स्टार्ट करने जा रहा है। ये जो बैच रहेगा आपका, जिस विषय से स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजी विद योजना आईएएस। तो योजना ये से एक बार फिर से आपके लिए सामान्य अध्ययन का बैच स्टार्ट करने जा रहा है। ये जो बैच रहेगा आपका, जिस विषय से स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन आप बोलते हो, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका यूपीएससी एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स की हम बात करें या फिर मेंस की या फिर इंटरव्यू की, ये पूरे ही एग्जाम में आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको पेपर जीएस पेपर टू मेंस के लिए, आपके लिए आधा सिलेबस जो कवर करता है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही आपका कवर करता है। इवन कुछ एस्पिरेंट्स का जो ऑप्शनल होता है वो पीकेएसआईआर होता है, तो जिसमें पेपर टू में जो आपका आधा सिलेबस जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही आपका विषय क्या करता है, आपका ये टॉपिक कवर करता है। तो हम बात कर रहे हैं, जो बैच आपका आरंभ हो रहा है वो हो रहा है आपका 15 नवंबर से। इस डेट को आप एक बार दोबारा से फोकस कीजिए, 15 नवंबर से आपका क्या हो रहा है, बैच आरंभ होने जा रहा है। एंड आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 3:50 PM रहेगी, दैट मीन्स इवनिंग का आपका ये बैच है। देखिए, हम क्लासेस जो है स्टूडेंट्स हाइब्रिड मोड में प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो क्लासरूम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जिस भी मोड में, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करूंगी कुछ फीचर्स की। देखिए, जो हम क्लासरूम के जो हमारे फीचर्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्टली तो हमारा जो बैच साइज होता है काफी स्मॉल होता है। स्मॉल दैट मीन्स 45-50 का हमारा क्या होता है, एक बैच होता है। एंड जो हमारी फैकल्टी होता है वो आपको इस क्लासरूम में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगी। नोट्स आपकी देखो पीडीएफ फॉर्म में भी रहेंगी, पीपीटीज आपकी रहेगी। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मीन्स आपको क्लासरूम में जो है मेंस के लिए स्टार्टिंग, मतलब डे वन से ही हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको देंगे, ताकि आप जो है एग्जाम के लिए जो है डे वन से क्या हो, प्रिपेयर होते चले जाओ। नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल देखिए, आपको हम हार्ड कॉपीज भी प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक्स पूरी मिलेगी। इसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स रहेंगी प्रीलिम्स मेंस की, आपकी 8 रहेंगी हार्ड बुक्स। एंड आपको सॉफ्ट कॉपी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ एंड पीपीटीज नोट्स। नेक्स्ट इज हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स इज कि आपको क्लास में क्या होता है ना, डेली आपको टीचर आपको लिखवाता है, ताकि आप डे वन से क्या हो, मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग जो होती है या फिर आपकी जो हैंड राइटिंग क्या होता है, कुछ स्टूडेंट की कुछ ना कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको डे वन से क्या होगा, आपको आंसर राइटिंग लिखवाया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। रेगुलर टेस्ट हम लेते हैं, जो भी आपका टॉपिक आपका हो रहा है, लाइक पर डे आपका हो रहा है या फिर वीक में जो भी टॉपिक वाइंड अप हो रहा है, तो उसमें हिसाब से आपके रेगुलर क्या होते हैं, क्लास टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज करंट अफेयर क्लासेस। देखिए, इस बैच में अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो हम आपको इसमें करंट अफेयर्स भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर क्लासेस जो आपकी होते हैं वीक में 2 रहती है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका होता है, हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं उसको आपको एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको डेली इसमें क्या होता है ना, न्यूज़पेपर से क्लिप्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर्स भी रहते हैं, वीकली भी रहते हैं, आपको मंथली मैगजीन्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो मैगजीन्स आपकी होते हैं बेसिकली हार्ड कॉपीज में रहती है, एंड जो डेली होता है वो सॉफ्ट कॉपी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल गाइडेंस। देखिए, गाइडेंस से मतलब हमारा क्या होता है, हमारा जो बैच साइज होता है ना स्टूडेंट, काफी स्मॉल होता है, लाइक 45-50 का। तो हर एक स्टूडेंट पे टीचर क्या करता है, पर्सनली फोकस करता है। और हमारा पर्पस जो है फोकस का ये कि स्टूडेंट पे हम टीचर क्या करे, फोकस करे, उनके जो भी डाउट्स है ना वो क्लास में ही आपके रिजॉल्व होते हैं मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल वर्कशॉप। मोटिवेशनल वर्कशॉप से मतलब है कि हम जो कुछ है वर्कशॉप अरेंज करते हैं, कि जो भी इतनी बड़ी जर्नी में आपकी अप्स डाउन जो भी आपकी रहते हैं, ताकि आप उसमें डेली क्या हो, मोटिवेट रहो कि आपको जो है इस एग्जाम को एंड अप क्रैक करना है। नेक्स्ट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, कि भाई आपको जो है ना, आपको वीक के जो भी न्यूज़ होते हैं आपको कवर किया जाता है, उसका एनालिसिस होता है,
क्लास आपकी लाइव हम प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डाउट सेशन। देखिए जो भी आपके डाउट होते हैं वैसे तो आपकी क्लास में ही आपके रिजॉल्व होते हैं, बट फर्दर जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो हम इंडिविजुअली डाउट सेशन हम अरेंज करते हैं ताकि आपके डाउट क्या हो रिजॉल्व हो। एंड आपका देखो नेक्स्ट इज क्या कवरेज रहता है 360 यूपीएससी सिलेबस। जो यूपीएससी का सिलेबस है आपको पूरा इसमें हम क्या करते हैं कवर करेंगे प्रीलिम्स मेंस एंड आपका एंड ऑफ इंटरव्यू तक। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस डिस्कशन। बेसिकली पीवाईक्यू क्या है आपका प्रीलिम्स पेपर जो आपकी हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर जो आपकी चाहे बात करें प्रीलिम्स की या फिर बात करें मेंस की तो इसका पूरा डिटेल में क्या होता है डिस्कशन हम प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज जो हमारी फैकल्टीज जो काफी रेपुटेड है सारे हाईली एक्सपीरियंस आईआईटी एंड जेएनयू से क्या है पीएचडी होल्डर है। एंड जो आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आपकी जो टीचर रहेंगी वो है आपकी संदीप सिंह। ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है योजना आईएएस की। जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन में तो ये मेरा एड्रेस है दिल्ली मुखर्जी नगर में हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं नियर बत्रा सिनेमा। एंड जो ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।